नमस्कार दोस्तों दोस्तों पी सी अकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और दोस्तों आज से हम लोगों का सोशल वर्क का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो जो लोग भी पहली बार यह लेक्चर देख रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहली बात ये कि किसी चीज़ को देखने से पहले उसका अनुमान लगाना सारी चीज़ें जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं देखेंगे ठीक है और आज का लेक्चर आप लोग प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं पूरा लेक्चर देखिएगा ठीक है रिक्वेस्ट है आपसे पूरा लेक्चर देखिएगा कितना समझ में आया कितना नहीं आया कैसा है प्रेजेंटेशन ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी ठीक है उसके बाद ही आप डिसाइड करिए आगे क्या करना है ठीक है तो आज से हम लोग समाज कार्य यानी सोशल वर्क के पहले चैप्टर अर्थ एवं उद्देश्य और परिभाषाएँ विशेषताएँ सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे ठीक है तो सोशल वर्क दोस्तों दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है कि हाँ मैंने अच्छा कार्य किया है तो आप लोग मेरे उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर करिएगा ठीक है जैसे मुझे ही पता लगता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं ठीक है चलिए देखते हैं अर्थ एवं उद्देश्य से देखिए समाज कार्य है क्या अब इसको आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम के माध्यम से आज हम लोग बात करेंगे और इसमें जो बातें होंगी दोस्तों इसमें अगर आपको अर्थ परिभाषा लिखनी है तो डायग्राम का एरो जिस तरीके से दिया गया है जिस तरीके से भी आपको आगे एरो दिखाया गया है उसी को बताते हुए पढ़ते हुए आप पूरी की पूरी परिभाषा लिख सकते हैं ठीक है मैं आपको लिख कर बताता हूँ फिर उसके बाद समझाता हूँ कि जैसे जो समाज है समाज किससे बना है व्यक्ति से बना है और व्यक्ति जो है वो समाज ने मानवीय अस्तित्व प्रदान किया है किसको, व्यक्ति को ठीक है अब समाज का निर्माण लोगों से हुआ है ठीक है अब लोगों ने क्या किया कि लोगों ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी ठीक है जैसे निर्धनता है बेकारी है ये समस्याएं उत्पन्न करने के बाद इनसे निपटने के उपाय आदिकाल से हो रहे हैं ठीक है इसमें समाज कार्य का जो एक उद्देश्य है समाज कार्य का एक समस्या का समाधान किस तरीके से प्रस्तुत करता है समाज कार्य का जो समस्या है सॉरी जो समस्याएं हैं ठीक है जैसे लोगों में सामाजिक समस्याएं होती हैं मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं तो इन समस्याओं का समाधान जो होता है वो वैज्ञानिक ढंग से और प्रावधिक जो प्रावधिक ढंग से ठीक है जैसे एक प्राविधिक निपुणता होती है ठीक है तो उस प्रावधिक निपुणता और वैज्ञानिक ढंग से जो समाधान दिया जाता है ठीक है उसको हम कार्य कहते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप लोग पूरा लिख सकते हैं अब शुरुआत से बात करते हैं हम लोग समझते हैं देखिए जो समाज है समाज हमारा किससे बना है लोगों से बना है ठीक है दूसरी चीज़ दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं ध्यान रखिएगा इसीलिए वाइस वर्षा मैंने एरो खींच रखा है ठीक है दोनों समाज व्यक्ति पर आश्रित है व्यक्ति समाज पर आश्रित है लेकिन व्यक्ति को मानवीय अस्तित्व तो किसने प्रदान किया है वह प्रदान किया है समाज ने अब व्यक्ति क्या हुआ व्यक्ति ने व्यक्ति जो है समाज का हिस्सा है अब समाज में व्यक्तियों ने अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं उसमें चाहे आपकी निर्धनता हो बेकारी हो तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती रही हैं आदिकाल से अब आदिकाल से इन समस्याओं के निपटने के लिए अनेक उपाय किए जाते रहे हैं उनमें वर्तमान काल में जो समाज कार्य है वो सबसे अच्छा एक इन समस्याओं से निपटने के लिए साधन प्रयुक्त हो रहा है ठीक है अब जो समाज कार्य है समाज कार्य के द्वारा किन किन समस्याओं का निदान किया जाता है तो देखिए इसमें सामाजिक समस्याएं होती हैं और मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती हैं ठीक है तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याओं का निदान या समाधान किया जाता है वैज्ञानिक ढंग प्लस दो चीज़ें वैज्ञानिक ढंग और प्रावधिक निपुणता प्रावधिक निपुणता का क्या अर्थ है कि जैसे आप टेक्निकली किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक निपुणता हासिल करते हैं ठीक है टेक्निकली तकनीकी रूप से आप उसमें दक्ष हैं क्षमता युक्त हैं तब आप उन चीज़ों का जैसे होता है व्यवहारिक चीज़ें आपने एक प्रक्रियात्मक और व्यवहारिक नॉलेज आपके पास में है एक तकनीकी नॉलेज है आपके पास में ठीक है तो उसके माध्यम से समाधान किया जाता है जो लोगों की समस्याएं हैं ठीक है तो इसके अर्थ क्या इसका काम है किस तरीके से कार्य करता है और बाकी चीज़ें जैसे जो परिभाषाएँ हैं वो भी आ, आगे हम लोग देखेंगे ठीक है अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि जैसे समाज कार्य जो है समाज में लोगों की जो मनोसामाजिक समस्याएं होती हैं उनका निदान करना वैज्ञानिक एवं प्रावधिक निपुणता के माध्यम से ठीक है ध्यान रखिएगा आराम से इसमें आप परिभाषा बिल्कुल आराम से अच्छे से बना लेंगे इसीलिए देखिए जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी ठीक है जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक वहाँ पर आप लिख नहीं पाएंगे और अगर आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो वहाँ पर आप लोग बहुत अच्छी तरीके से लिख पाएंगे ठीक है तो ये समझना ज़रूरी है दोस्तों कि समाज कार्य है क्या अभी और आगे से हम लोग समझेंगे लेकिन अब थोड़ा सा एक अलग चीज़ पर बात करते हैं कि समाज कार्य के संबंध में जैसे भ्रांतियाँ हैं ठीक है कुछ गलत फहमियाँ फैली हुई हैं कि यह भी समाज कार्य है ठीक है तो कौन कौन सी चीज़ें समाज कार्य हैं और कौन सी चीज़ समाज कार्य नहीं है इसमें अंतर को अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली चीज है कि जैसे एक दान के रूप में समाज कार्य तो इसको भी लोग कुछ लोग कहेंगे कि दान के रूप में हमने दान पुण्य कर दिया तो यह समाज कार्य है नहीं यह समाज कार्य नहीं है जैसे देखिए दान किसको किया जाएगा निर्धनों को जैसे आपने पैसा दे दिया तो आपने क्या की उसकी हेल्प कर दी हेल्प करने के बाद आपने उसको एक कहते ना डिपेंडेंसी बना दी ठीक है एक निर्भरता बना दी उसको आत्मनिर्भर न बनाकर किसी पर एक डिपेंड बना दिया कि हाँ वो किसी न किसी से अगले व्यक्ति से जब उसको अग, मतलब दोबारा जब जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा किसी न किसी से पैसे मांगेगा जाके ठीक है तो ये क्या है निर्धनों को पैसा दे देना यह कार्य नहीं है अब जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही धार्मिक मान्यता है कि दान एक पुण्य का कार्य है ठीक है हमें दान पुण्य करना चाहिए समाज कार्य करना जबकि ये समाज कार्य नहीं है ठीक है तो यहाँ पर बात यही आती है कि दान लेने वाला जैसे दान लेने वाले की आर्थिक समस्या का अस्थायी समाधान होता है अब इसी को ध्यान रखिएगा दोस्तों ऐसे ही आप लोगों को जोड़ते हुए पूरे का पूरा दान के रूप में जो डिटेल लिखनी है आप आराम से लिख सकते हैं ठीक है तो दान लेने वाले व्यक्ति की आर्थिक समस्या का अस्थायी समाधान होता है ठीक है टेम्प्रेरी एक सोल्यूशन होता है ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है ठीक है और वह दूसरों पर निर्भर रहने लगता है तो यह समाज कार्य नहीं है ठीक है अगली बात देखते हैं कि श्रमदान के रूप में जैसे आपने श्रम का दान किया जैसे आपने किसी सार्वजनिक चीज़ के लिए कुछ काम किया ठीक है तो उसको लोग समाज कार्य बोलने लगते हैं अब इसमें जैसे दे देखिए आपको किस तरीके से परिभाषा को देना है जैसे चीज़ों को लिखना है लिखना कैसे है जैसे समुदाय की समस्या का जैसे किसी भी समुदाय की समस्या के निदान हेतु श्रम करना और जो व्यक्ति करते हैं इच्छिक ऐच्छिक रूप से लोग श्रमदान करते हैं जैसे हम देखते हैं कि सार्वजनिक मार्ग की मार्ग में जो लोग श्रमदान करते हैं सार्वजनिक सफाई में जो लोग श्रमदान करते हैं तालाब की सफाई में जो लोग तालाब की खुदाई में जो लोग श्रमदान करते हैं तो लोग समझते हैं श्रमदान एक समाज कार्य है लेकिन लेकिन जो श्रमदान है वह समाज कार्य नहीं है बस यहीं से आपको अपना यूटर्न लेते हुए सारी चीज़ों को बताना है श्रमदान देखिए श्रमदान हो सकता है आपने निष्काम भाव से बिना ज्ञान और निपुणता के भी किया जा सकता है लेकिन जबकि क्या होगा कि समाज कार्य ऐसा नहीं होता ध्यान रखिएगा समाज कार्य के मामले में क्या होता है कि यह वैज्ञानिक ज्ञान है ठीक है वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता देखिए जब आपको टर्म्स याद रहेंगे तो आपको लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी ठीक है जब आपको टर्म्स याद रहेंगे तो आपको लिखने में बहुत अच्छे से आसानी हो जाएगी ठीक है आप अच्छे से लिख पाएंगे तो यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणता जो मैंने बताई थी एक टेक्निकली एक व्यवहारिक ज्ञान तकनीकी व्यवहारिक ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर समाज कार्य की परिभाषा भी यहीं से निकल गया आती है और कई बार मतलब बहुत बार आपको यही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने चार्ट के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को दिखाया है ठीक है तो वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणता ये दोनों जो हैं ठीक है ठेके? ये समस्याग्रस्त 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 कौन है समस्याग्रस्त कोई एक व्यक्ति हो सकता है व्यक्तियों का समूह हो सकता है या कोई समुदाय हो सकता है ठीक है समस्याग्रस्त व्यक्ति समूह समुदाय की मनोवैज्ञानिक समस्या का समाधान करना तथा उन लोगों को आत्मसहायता करने योग बनाता है ठीक है तो यह इसकी समाज कार्य की परिभाषा भी इसी से निकल कर आती है आराम से आप लिख भी लेंगे ठीक है कि समाज कार्य है क्या समाज कार्य एक वैज्ञानिक और प्राविधिक निपुणता से समस्याग्रस्त व्यक्तियों समूह समुदायों का मनोवैज्ञानिक समस्या का मनोवैज्ञानिक या सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जाता है और उन व्यक्तियों को उन समुदायों को उन समूहों को आत्म सहायता करने योग्य बनाया जाता है ठीक है तो ये कार्य की परिभाषा हो गई ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है समाज कल्याण के रूप में समाज कार्य जैसे सोशल वेलफेयर जो होता है तो उसके रूप में सोशल वर्क किस तरीके से कार्य करता है किस तरीके से नहीं करता और सोशल वेलफेयर होता क्या है सबसे तो पहले इसको हम लोग जानेंगे ठीक है अब देखिए परिभाषा के लिए जैसे जो चीज़ें आपको लिखनी है मैंने उन चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लिखा है उससे फ़ायदा क्या होगा आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट्स हमसे नहीं छूटने चाहिए ठीक है तो इतना ध्यान रखिएगा अब क्या है कि जैसे समाज कल्याण क्या होता है जैसे सामाजिक सेवाएं होती हैं और सामाजिक सेवाएं, सेवाओं तथा संस्थाओं की संगठित व्यवस्था है जो व्यक्तियों एवं समूहों को संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करने हेतु यह दी जाती हैं ठीक है इसके उद्देश्य क्या होते हैं आर्थिक उन्नति करना अच्छा स्वास्थ्य करना संतोषजनक जीवन स्तर देना लेकिन ये समाज कल्याण जो है सोशल वेलफेयर जो है वो आपका समाज कार्य सोशल वर्क नहीं है ठीक है अब सोशल वर्क को जान लेते हैं ठीक है तो जैसे आपने समाज कल्याण को बता दिया फिर समाज कार्य को बताया ठीक है तो ये भ्रांतियों को अभी हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सी भ्रांतियां हमारे समाज में प्रचलित हैं लोगों को लगता है हम समाज कार्य कर रहे हैं लेकिन वो समाज कार्य नहीं है ठीक है वो समाज कल्याण है समाज कल्याण में है क्या कि सार्वजनिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाओं का मतलब क्या है जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं वो चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हो वो या आय से संबंधित कोई योजनाएं हो या रोजगार से संबंधित हो या अन्य कोई योजनाएं ठीक है जितनी भी योजना सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा जाती हैं वो एक समाज कल्याण के लिए चलाई जाती हैं ठीक है ठीके? और क्या होता है कि यह एक संगठित व्यवस्था के माध्यम से दिया जाता है ठीक है कोई ना कोई संगठन इनको इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है कि जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट है चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो ठीक है और चाहे बच्चों वाली मिनिस्ट्री हो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ठीक है या ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री हो ठीक है एच मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं और कोई भी हो मिनिस्ट्री वो सारी की सारी सार्वजनिक सेवाएं आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं ठीक है तो यहाँ पर सामाजिक सेवाओं का उद्देश्य क्या होता है उद्देश्य यही होता है कि जो व्यक्ति हैं जो लोग हैं समाज है आर्थिक उन्नति करना उनका अच्छे अच्छा स्वास्थ्य करना उनका और एक संतोषजनक एक गरिमापूर्ण जीवन स्तर को बिताने में उनको सहयोग करना अब लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सोशल वेलफेयर को देख लिया लेकिन सोशल वेलफेयर आपका समाज कार्य नहीं है समाज कार्य को फिर एक बार दोबारा देखेंगे कि अब यहाँ पर जो बात कही जा रही है समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है जिसमें मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक ठीक है समस्या का समाधान किया जाता है कैसे वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणताओं से किया जाता है तो ये आपका समाज कार्य है देखिए बार बार वही चीज़ें रिपीट करेंगे ठीक है इससे क्या होगा आप जो परिभाषा है जैसे एक परिभाषा में आपको कौन कौन से वर्ड जैसे जो एक्चुअल परिभाषा में जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड आपसे स्किप नहीं होने चाहिए वो नहीं भूलने चाहिए ठीक है कि जैसे हमें पता है कि दो चीज़ें ज़रूर हैं कि जैसे एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जाता है दूसरे स्टेप में ये चीज़ आ गई तीसरे स्टेप में समाधान कैसे किया जाता है वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणताओं के आधार पर इन समस्याओं का निदान किया जाता है अब एक चौथा स्टेप भी आगे कई जगह दिखाई देगा कि जो लाभार्थी हैं या सेवार्थी हैं उनको आत्म सक्षम बनाना ठीक है वो आत्म सहायता मतलब स्वयं की सहायता वो कर सकें ठीक है इस तरीके से बनाना उनको उनमें क्षमता का विकास करना कि वो स्वयं के लिए रोजगार स्वयं के लिए भोजन स्वयं के लिए सारी चीज़ें उन चीज़ों का इंतजाम कर सकें ठीक है चलिए आगे देखते हैं चौथा क्या है समाज सुधार के रूप में क्या है ठीक है तो सोशल रिफॉर्म के रूप में देख लेते हैं समाज कार्य क्या है तो सोशल रिफॉर्म के रूप में जब हम लोग देखते हैं समाज सुधार के रूप में तो समाज की एक जैसे विचारधारा होती है हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं धर्म जाति मूल वंश के लोग रहते हैं अब उनकी खुद की अलग अलग विचार है अगर गलत विचारधारा समाज में आ जाएगी लोगों के अंदर आ जाएगी तो उसको परिवर्तित करना ही समाज सुधार है अब जैसे समाज की विचारधारा में परिवर्तन लाना प्रचलित क्रूतियों अस्पृश्यता दहेज प्रथा बाल विवाह ऐसी प्रथाओं को रोकने हेतु प्रयास ही क्या कहलाता है समाज सुधार कहलाता है ध्यान रखिएगा ठीक है ऐसे प्रयास ही क्या कहलाते हैं समाज सुधार तो समाज सुधार सोशल वर्क समाज कार्य नहीं है समाज कार्य को अब देख लेते हैं क्या है फिर यहीं पर अलग अलग तरीके से चीज़ें मिलेंगी लेकिन जो कीवर्ड या की पॉइंट होंगे वो आपके सेम रहेंगे ध्यान रखिएगा समस्याग्रस्त समस्याग्रस्त ध्यान रखिएगा समस्याग्रस्त समस्याग्रस्त कौन सी मनोसामाजिक समस्या समस्याग्रस्त लोग ये लोगों का समूह है तो इसमें व्यक्ति भी हो सकता है समूह भी हो सकता है समुदाय भी हो सकता है तो समस्याग्रस्त व्यक्ति समूह समुदाय की जो समस्या समाधान किया जाता है ठीक है समस्या का समाधान वैज्ञानिक ज्ञान और निपुणता के वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणता को प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हुए उसकी सहायता से लोगों को आत्म सहायता की क्षमता का विकास कराना तो इस तरीके से आप पूरी परिभाषा बना सकते हैं ठीक है तो ये चीज़ें हैं और अगला देखते हैं कौन सा है अगला पाँचवा पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा के रूप में सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी किस मतलब जैसे एक समाज सोशल वर्क जो होता है सामाजिक सुरक्षा के रूप में एक सोशल वर्क किस तरीके से है ठीक है तो सामाजिक सुरक्षा का देखिए यहाँ पर जो एरो दिखाया गया है तो इसको ध्यान में रखते हुए ही आप पूरा का पूरा चीज़ें लिख डालेंगे ठीक है सीधी सी बात है सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय है समाज द्वारा ऐसी विकसित व्यवस्था जिसके द्वारा आकस्मिकताओं के शिकार व्यक्तियों को धन एवं सेवाएं प्रदान करता है जिससे न्यूनतम इच्छित जीवन व्यतीत कर सके देखिए पूरी की पूरी परिभाषा मैंने बता दी और एक सीक्वेंस में बिल्कुल बताते चला आ रहा हूँ ठीक है तो सामाजिक सुरक्षा का मतलब यही है दोस्तों सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये है कि हर तरीके से जो समाज में लोग रह रहे, रहे हैं उनको हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करना समाज द्वारा विकसित ऐसी व्यवस्था है ठीक है समाज द्वारा विकसित ऐसी व्यवस्था है जिसमें जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आकाश में कुछ हो जाए ठीक है जैसे अब कोई खेत है खेत में अगर कहीं पर ओला पड़ जाते हैं या जो पूरे के पूरे खेत जल जाते हैं तो उसकी सुरक्षा कैसे होती है उसकी सुरक्षा के हेतु सरकार प्रयास करती है ठीक है तो यहाँ पर धन और सेवाएँ जो प्रदान करता है वो कौन है वो बॉडी हमारी स्टेट है ठीक है सरकार है वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो ठीक है और धन सेवाएं इसलिए दी जाती हैं जिससे न्यूनतम इच्छित जीवन व्यतीत कर सके वह व्यक्ति व्यक्ति समूह समुदाय ठीक है अब बात आती है इसमें एक पॉइंट आया था आकस्म आकस्मिकताओं क्या हैं ठीक है तो आकस्मिकताएं जो होती हैं दोस्तों वह जैविक और आर्थिक होती हैं आर्थिक समस्याएं कब आती हैं ठीक है आर्थिक समस्याएं अचानक जब आ जाती हैं कब आती हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है पहले कमाता था और बाद में वह वृद्धा अवस्था की अवस्था में पहुँच पहुँचता है तो वहाँ पर वह आय कमाने योग्य नहीं रह जाता धन नहीं कमा पाता तो वह क्या है ऐसी स्थिति में उनको पेंशन की व्यवस्था की जाती है सरकार के द्वारा और जैविक जो आकस्मिकता है उसको अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे एक मातृत्व की अवस्था होती है ठीक है तो जो मातृत्व की अवस्था होती है उसमें जो एक महिला होती है वो अपना खर्चा नहीं चला पाती है देखिए वो अलग बात है कि उसका हस्बैंड या उनके पति वो उनका पालन पोषण करते हैं लेकिन वो खुद डिपेंडेंट है खुद नौकरी कर रही हैं तो ऐसे समय में क्या है उनकी क्षमता शून्य हो जाती है कार्य करने की क्षमता जो है वो उसमें क्षति आ जाती है वो नहीं कर पाती हैं तो ऐसी आकस्मिकताओं के शिकार व्यक्तियों को धन एवं सेवाएँ प्रदान करना क्या कहलाता है सामाजिक सुरक्षा ठीक है अब देखिए सामाजिक सुरक्षा और समाज कार्य किस तर, किस तरीके से भिन्न भी, भिन्न है ठीक है अब समाज कार्य क्या है समाज कार्य जो है आकस्मिकता को तो जोड़ता ही जोड़ता है उसके साथ साथ में आकस्मिकता मनोसामाजिक समस्या ये दोनों को इंक्लूड किया जाता है इसीलिए मैंने एक घेरे में कर दिया है इसको एक डायग्राम में कर दिया है ठीक है तो आकस्मिकता के शिकार व्यक्ति और मनोसामाजिक समस्या के शिकार व्यक्तियों का निदान वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणता का प्रयोग से लोगों को आत्मसहायता की क्षमता उत्पन्न करना ही समाज कार्य है इसीलिए समाज कार्य आपका सामाजिक सुरक्षा नहीं है ठीक है इतना ध्यान रखिएगा सामाजिक सुरक्षा के एक रूप में समाज कार्य को हम लोग देख रहे थे ठीक है लेकिन जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब समाज कार्य की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे डेफिनेशंस को देखेंगे समाज कार्य सोशल वर्क की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं उनको अब हम लोग देखेंगे ठीक है इसको आराम से आप लोग इसी तरीके से बना सकते हैं जैसे चेनी के अनुसार क्या है कि समाज कार्य ऐसी आवश्यकताएँ लोगों की ऐसी आवश्यकताएँ जो सामाजिक संबंधों से संबंधित तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करती हैं लाभों को प्रदान करने के सभी ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित होते हैं तो समाज कार्य क्या है चेनी के अनुसार मैंने पूरी परिभाषा को बताते हुए बता दिया ठीक है समाज कार्य ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो सामाजिक संबंधों से संबंधित तथा वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करते हुए लाभों को प्रदान करने के लिए सभी ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित होते हैं समाज कार्य में ठीक है तो ये चेनी के अनुसार परिभाषा है अब जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो परिभाषा है समाज कार्य की तो उसको हम लोग देखेंगे ठीक है फ्रीड लैंडर का मत है ठीक है फ्रीड लैंडर के मत को अब हम लोग देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर समाज कार्य जो कहा जाता है ठीक है तो इनके अनुसार वैज्ञानिक ज्ञान मानवीय संबंधों में निपुणता पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्ति एवं समूहों में सामाजिक एवं वैयक्तिक संतोष प्रदान करने में सहायता करती है ठीक है इतना लिखना है आपको परिभाषा में ठीक है टोटल परिभाषा को ही मैंने छोटे छोटे जो कीवर्ड हैं की, है, की पॉइंट हैं उसमें मैंने तोड़कर बताया है जिससे आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी जैसे आपको पता है कि वैज्ञानिक ज्ञान और मानवीय संबंधों में निपुणता या प्राविधिक निपुणता जिसको हम लोग व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं ठीक है जो हम एक तकनीकी रूप से एक मानवीय संबंधों में निपुणता हासिल करते हैं तो उन चीज़ों को हम लोग बात करते हैं तो दो चीज़ें हो गई ठीक है इन पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्ति एवं समूह समुदाय ठीक है लेकिन इनकी परिभाषा में व्यक्ति एवं समूह जोड़ा गया है इसीलिए जो अक्षरशः जो चीज़ें बोली गई हैं मैंने उन्हीं चीज़ों को एक अच्छे व्यवहारिक तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ठीक है तो व्यक्ति एवं समूहों में सामाजिक एवं व्यक्तिक सामाजिक का मतलब पूरे समाज से संबंधित जितने जितने भी सारे लोग हैं या कोई एक व्यक्तिगत ठीक है व्यक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत स्तर पर इन सभी लोगों को संतोष प्रदान करने में सहायता करती है तो यह किसका मत है फ्रीडलैंडर का मत है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों को अब जैसे आप मैंने इस तरीके से दिया है आप आराम से ईजली इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं ठीक है बस ये कीवर्ड आपको याद रहें इसलिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से दिया है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा परिभाषा है किसकी परिभाषा है तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क का मत जो है अब उसको हम लोग देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम लोग पूरी की पूरी परिभाषा एक लाइन में या दो लाइन में जितना भी होगा बताएंगे ठीक है देखेंगे तो समाज कार्य मानवता वर्शन वैज्ञानिक ज्ञान और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित व्यक्ति समूह समुदाय को सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु एक कल्याणकारी प्रक्रिया है यह पूरी की पूरी परिभाषा हो गई अब इसको तोड़कर बिल्कुल अच्छे से समझते हैं ठीक है तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क का जो मत है मानवतावादी दर्शन मानवतावादी दर्शन का क्या मतलब होता है मानवतावादी दर्शन का मतलब ये है कि जो मानव की एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की जो एक अवस्था है उसको उस व्यक्ति को देना मानव को मानव समझना मानों की भलाई के लिए कार्य करना ठीक है लोगों के अच्छे के लिए कार्य करना तो ये मानवतावादी दर्शन जो है वो सारे तरीके से हर तरीके से मानव को एक अच्छी स्थिति एक अच्छी अवस्था में देखने की या उस अवस्था में पहुंचाने की बात करता है वैज्ञानिक ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब है टेक्निकल नॉलेज के द्वारा और व्यवहारिक निपुणताओं के द्वारा जो भी आपकी तकनीकी निपुणताएँ हैं ठीक है और एक व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक जो भी प्रावधिक निपुणताएँ हैं उन पर आधारित कौन कौन से लाभार्थी सेवार्थी हैं तो सेवार्थी आपके व्यक्ति समूह समुदाय हैं को सुखी संपूर्ण जीवन ठीक है भाई व्यक्ति सुखी और संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में जो सहायता प्रदान करने हेतु एक क्या है एक कल्याणकारी प्रक्रिया है तो समाज कार्य क्या है किन किन चीज़ों से किन किन चीज़ों को जो लोग हैं समाज हैं समुदाय हैं उनको प्रदान करता है हर तरीके से यह जो लोग हैं समाज हैं उनकी उन्नति की बात करता है ठीक है अब कोनोपका के मत के अनुसार देख लेते हैं कि जैसे इनके मत के अनुसार समाजकार तीन स्पष्ट रूप से भिन्न किंतु अंतर संबंधित भागों में तो वो तीन भाग कौन कौन से सामाजिक सेवाओं का जाल सावधानीपूर्वक विकसित किए गए ढंग तथा प्रक्रियाओं सामाजिक संस्थाओं व्यक्तियों के माध्यम से व्यक्त की गई सामाजिक नीति का प्रतिनिधित्व करने वाला अस्तित्व है ठीक है ये सभी मनुष्य के विषय में एक मत हैं उनके अंतर संबंधों एवं नैतिक कर्तव्यों पर आधारित है तो ये पूरी की पूरी परिभाषा बस आप सीधे जोड़ते चले जाइए आपको पूरी की पूरी परिभाषा मिल जाएगी ठीक है तो इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है ठीक है चलिए आगे अगली परिभाषा देख लेते हैं अगली पाँचवीं परिभाषा जो है मिर्जा रफीउद्दीन अहमद का मत है तो अहमद जी के मत में भी देखिए जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं जैसे मानवतावादी दर्शन की बात करते हैं समाज कार्य क्या है मानवतावादी दर्शन वैज्ञानिक ज्ञान और प्रावधिक निपुणताओं का प्रयोग करते हुए प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया की समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों समूह समुदायों के रूप में सहायता प्रदान करने की एक व्यवसायिक क्रिया है जो आत्म सहायता करने में जो लोगों को आत्मसहायता करने में योग्य बनाती है ठीक है तो ये इस टाइप से आप पूरी की पूरी परिभाषा ईजिली लिख सकते हैं और आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी कि कितने स्टेप में ये चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं ठीक है तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए और अच्छे से लिखिए ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब आगे देखेंगे हम लोग समाज कार्य की विशेषताएँ समाज कार्य की विशेषताओं में भी वही बेसिक चीज़ें आएंगी और कुछ एक्स्ट्रा चीजें आएंगी कि जैसे समाज कार्य एक व्यवसायिक सेवा है ठीक है विविध प्रकार के जैसे वैज्ञानिक ज्ञान प्राविधिक निपुणता दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है इसमें दूसरी विशेषता क्या है समाज कार्य सहायता करता है ठीक है जो समाज कार्य सहायता है वो मनोवैज्ञानिक सामाजिक अध्ययन और निदानात्मक मूल्यांकन के पश्चात प्रदान की जाती है कहने का अर्थ यही है, है कि समाज कार्य सहायता ऐसे ही नहीं दी जाती उसका अच्छे से एक सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाता है और उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है सामाजिक अध्ययन किया जाता है और मनोवैज्ञानिक तरीके से एक प्रावधिक निपुणता के साथ में सारी चीज़ें जब मूल्यांकन कर ली जाती हैं और निदानात्मक मूल्यांकन जब हो जाता है उसके बाद समाजकार इस तरीके से सहायता करता है ठीक है और क्या करता है समाज कार्य सहायता जो होती है वो समस्याग्रस्त व्यक्तियों को सहायता प्रदान करती है जो उसकी मनोसामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने में सहायता प्रदान करती है और क्या करती है समाज कार्य सहायता व्यक्ति समूह समुदाय को प्रदान की जाती है ठीक है ये भी हम लोग परिभाषा में ही मोस्टली चीज़ें परिभाषा में ही आ रही हैं और समाज कार्य सहायता जो है वो अंतिम उद्देश्य समस्याग्रस्त सेवार्थी को आत्म सहायता की क्षमता उत्पन्न करना ठीक है कि वो खुद से अपनी समस्याओं को दूर सके उसको इतना सक्षम बना देना ठीक है अगला पॉइंट क्या है सहायता जैसे जो समाज कार्य की सहायता है वो व्यक्ति की व्यक्तित्व तो संबंधी संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाता है भाई सीधी सी बात है कि जो व्यक्तित्व संबंधी संरचना है आज की डेट में आप रिक्शा चलाते हैं कल की डेट में आप एक पीसीएस अधिकारी बनते हैं तो कहने का मतलब यही है कि जिस समय आप निम्न स्तर पर होते हैं उस समय आपकी जो एक व्यक्तित्व की संरचना होती है और फिर उसके बाद जब आपका परिवर्तन होता है पहले आप छोटे से दुकानदार थे फिर उसके बाद आप बहुत बड़े एक इंडस्ट्री के मालिक बन गए तो ऐसे स्थिति में क्या होगा आपकी जो सामाजिक संरचना होगी या व्यक्ति व्यक्तित्व की संरचना होगी तो उसमें भी परिवर्तन आएगा भाई समाज में भी तो आपकी जो व्यक्तित्व है और एक व्यवस्था है लोगों के बीच में एक सोच है वो चीज़ें बदलती हैं ठीक है तो इस तरीके से समाज कार्य कार्य करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं समाज कार्य के उद्देश्यों को देख लेते हैं कि समाज कार्य के उद्देश्य कौन कौन से हैं तो समाज कार्य के चार उद्देश्य हैं ठीक है समाज कार्य के चार उद्देश्य हैं पहला उद्देश्य क्या है भौतिक सहायता प्रदान करना मतलब फिजिकली रूप से कुछ सहायता प्रदान करना लोगों को और क्या है समायोजन स्थापना में सहायता करना कि जैसे व्यक्ति कुछ नहीं समझ में आ रहा है उसको क्या करे क्या ना करे कहाँ किस नौकरी में जाए या किस जगह पर वो जॉब ढूंढे या वो क्या करे आखिर तो कहीं ना कहीं उसको समायोजन करने के लिए उसको एक अच्छी एक कुशल प्रशिक्षण उसको खुद इतना सक्षम बना देना कि वह खुद अपने लिए जो खुद की समस्याएं हैं उसको वो ठीक कर सके ठीक है और क्या है कि मानसिक समस्याओं का समाधान करना ठीक है तो यहाँ पर मानसिक समस्याओं की भी बात की जाती है कि जो समाज कार्य है उसका उद्देश्य ही होता है कि जो मानसिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना निर्बलों को अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध करना तो ये चार मुख्य उद्देश्य हैं अब फ्रीडलैंड जैसे फ्रीडलैंड थे ठीक है तो फ्रीडलैंडर के तीन उद्देश्य इन्होंने बताए हैं ठीक है सबके अपने अपने उद्देश्य हैं परिभाषाएं अलग हैं उद्देश्य अलग हैं तो इन चीजों को देख लेते हैं कि जैसे पहला उद्देश्य फ्रीडलैंडर का क्या है फ्रीडलैंड का कि दुखदायी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन की जैसे बहुत दुखी अवस्था में जो भी व्यक्ति समाज समूह जो है समुदाय है तो उन सारे लोगों को उनकी दुखदायी सामाजिक दशाओं में परिवर्तन लाना रचनात्मक शक्तियों का विकास करना अब इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी इनोवेटिव चीजों को ईजाद करना जिससे वह अपने खुद का आय सृजन कर सकें अपनी स्थितियों को बदल सकें अपनी सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उनको चेंज कर सकें तो हर तरीके से वो अपना खुद का विकास कर सके इसके लिए क्या है रचनात्मक शक्तियों का विकास जो है वो व्यक्ति के अंदर किया जाना चाहिए ठीक है तीसरी बात तो तीसरा उद्देश्य क्या बताते हैं समाज कार्य के उद्देश्यों में जब बात करते हैं हम लोग तो समाज कार्य के उद्देश्यों में फिडलैंड कहते हैं कि प्रजातांत्रिक सिद्धांतों एवं मानवोचित व्यवहारों मानव के अनुसार उचित जो भी व्यवहार हैं उनके अवसरों की प्राप्ति में सहायता करना अब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको एक मानव होते हुए भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में क्या है सोशल वर्क यहीं पर उनकी सहायता करता है ठीक है प्रजातांत्रिक सिद्धांत हैं उनके अनुसार लोगों को चीज़ें नहीं प्राप्त हो पाती तो ऐसी जगह पर ही सोशल वर्क जो है अपना कार्य करता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं अब अगली जो उद्देश्य की डेफिनेशन है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार समाज कार्य के उद्देश्य क्या क्या हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब समाज कार्य के उद्देश्यों को हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो समाज कार्य जो है व्यक्तियों समूहों समुदायों को सामाजिक मानसिक शारीरिक कल्याण के उच्च स्तर पर पहुंचाने में सहायता करता है तो यह उद्देश्य बताया गया है किसका संयुक्त राष्ट्र का आप इसको आराम से इजीली लिख भी सकते हैं ठीक है कि समाजकार संयुक्त राष्ट्र के अनुसार समाजकार व्यक्तियों समूहों समुदायों को सामाजिक मानसिक शारीरिक कल्याण के उच्च स्तर पर पहुंचाने में सहायता करता है यह उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अब एक विचारक हैं बीजी खेर के मत में समाजकार के उद्देश्य है क्या हैं तो जैसे जो सामाजिक अन्याय है उसको दूर करना दुखों से छुटकारा दिलाना अब ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आप लोग समझ ही रहे होंगे यातनाओं को रोकना एवं स्वयं अपना और अपने परिवारों का पुनर्वासन करने ही हेतु ठीक है करने है तो समाज के निर्बल सदस्यों की सहायता करना मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सहायता करना जिनके साथ यातनाएं हो रही हैं उनको इतना सक्षम बनाना और जो उनके साथ यातनाएं हो रही हैं उनको रोकना और क्या है भौतिक आवश्यकता बीमारी अज्ञानता मलिनता निष्क्रियता की बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करना यह सोशल वर्क का उद्देश्य बताया गया है बीजी खेर के मत के अनुसार ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या है अब अगला पॉइंट है विशिष्ट रूप में समाज कार्य के उद्देश्यों को हम लोग अब देखेंगे ठीक है तो अब हम लोग विशिष्ट कार्य के रूप में समाज कार्य के मतलब एक मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं छूटेगी कि समाज कार्य के उद्देश्य कौन कौन से हैं तो इसमें सारी की सारी बातें बता दी गई हैं कि जैसे जो व्यक्ति हैं जो लोग हैं जो समाज हैं वो समुदाय हैं उनकी ठीक है मनोसामाजिक समस्या का समाधान करना मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना ये भी एक उद्देश्य है सोशल वर्क का सामाजिक संबंधों में सामाजिक संबंधों को मधुर बनाना सौहार्दपूर्ण बनाना ठीक है व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना पर्यावरण को स्वस्थ एवं अनुकूल बनाना देखिए सारी की सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल जानी पहचानी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी कि ये सोशल वर्क के कार्य हैं व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना ठीक है लोगों में सामाजिक चेतना जागृत करना कि आपको दूसरों को बेहतर करना चाहिए उनको सहायता करनी चाहिए कि वो खुद का विकास कर सकें वह खुद के बारे में सोच सके और अगर कोई लाभार्थी मतलब जो आवश्यकता या समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है उसको मतलब उसको इतना सक्षम बनाना कि वह अपना जो भी उसकी समस्याएं हैं वो उनको अच्छी तरीके से निपटा सके उन समस्याओं का निदान कर सके पर्यावरण को स्वस्थ एवं अनुकूल बनाना कहने का अर्थ यही है कि सोशल वर्क का क्या अर्थ है सोशल वर्क का उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी आता है कि पर्यावरण को स्वस्थ एवं अनुकूल बनाना ठीक है और उन्नति विकास के अवसर उपलब्ध कराना भाई सीधी सी बात है कि जो लोग हैं उनकी उन्नति करना विकास के उन लोगों को अवसर उपलब्ध कराना ठीक है एक स्वस्थ जनमत तैयार करना सामंजस्य क्षमता का विकास करना लोगों की सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना ठीक है जो भी सामाजिक क्रियाएं हैं लोगों की तो उनको प्रभावपूर्ण बनाना आत्मसहायता करने की क्षमता का विकास करना और शांति व्यवस्था को प्रोत्साहन देना ठीक है तो यह सारी चीज़ें हैं दोस्तों और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो लेक्चर था दोस्तों ठीक है तो लेक्चर आज का हो चुका है सोशल वर्क का यह पहला लेक्चर था दोस्तों और ये पीडीएफ जो है दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए आप लोग ठीक है कि बी उन्नीस तारीख तक आप लोगों के पास समय है ठीक है बीस तारीख से फीस जो है ठीक है बीस जून से फीस तीन चार हज़ार हो जाएगी और 19 तारीख तक के उन्नीस तारीख तक का ही आपके पास में समय है और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए फ़ीस जो है वो दोस्तों तीन हज़ार रुपये है तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है और ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है नाइन वन सॉरी नाइन वन फोर डबल जीरो एट फाइव वन सेवन एट ठीक है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं ठीक है और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं दो दिन हैं दोस्तों आज है अठारह और उन्नीस आज और कल का समय है जो लोग भी देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं देखिए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में और भी सारी चीज़ें हैं जैसे सीरीज़ है और क्वेश्चंस हैं और जब तक आपका जो 2018 का मेंस है सोशल वर्क का बहस नहीं ख़त्म होगा नोट्स मैं दो महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कम, करा दूंगा उसके बाद में क्वेश्चन आंसर भी आपको बाद में मिलते रहेंगे ठीक है अल्टरनेट डेज पे ठीक है और जो नोट्स हैं दोस्तों अब अल्टरनेट डेज़ पर मिलेंगे ठीक है और दोस्तों जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं नंबर मैं दोबारा बता देता हूँ नाइन वन फोर डबल जीरो एट फाइव वन सेवन एट ठीक है तो ये मोबाइल नंबर है और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल को चेक कर सकते हैं ठीक है चलिए ठीक है थैंक यू देखने के लिए